हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। और आज हम लेकर आए हैं डेडपूल मर्स विद द माउथ का एक नया एपिसोड। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम देखते हैं वुडू को, जो कह रहा था, मैंने अनबैलेंस सेंस किया नेक्सस ऑफ रियलिटी में, और उसका एक केंद्र बिंदु है और वो हो तुम। वो आगे बताता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर एक यूनिवर्स का एक वेड विल्सन है और तुम दोनों एक साथ गेटवे के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे, तो इस वजह से पोर्टल्स के कॉस्मिक अवेयरनेस एक्टिव हो गए। और यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सेस के इतने नंबर्स है कि वो गिने भी नहीं जा सकते, और इसी वजह से वो गेट तुम्हें लगातार उसी वर्ल्ड्स में ले जा रहा था जहाँ पर विल्सन एक मशहूर रोल प्ले कर रहा है, जिस पर टॉमी डेडपूल कहता है, इसका मतलब हम दोनों मशहूर है ना? जिस पर डॉक्टर वुडू गुस्सा होकर कहता है, नहीं। डॉक्टर वुडू आगे कहता है, मैंने ये पोर्टल ओपन कर दिया है जो तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही ओपन रहेगा। और मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारे उस दूसरे वर्जन को अपने घर पहुंचाना। इस वजह से तुम एजेंट ऑफ ऑर्डर बन गए हो, और सॉर्सरर सुप्रीम होने के नाते मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए मजबूर हूँ। जिस पर डेडपूल पूछता है, अगर आप सॉर्सरर सुप्रीम हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या? उनके पास बहुत अच्छी मूंछ थी, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? जिस पर उडू कहता है, प्लीज जाओ। और वो आगे बताता है, मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि यह तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगी, लेकिन ये बहुत जल्दी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, तो गुड लक वेड विल्सन। डेडपूल अंदर पोर्टल में जाते हुए कहता है, रो धोकर मुझे गुड बाय मत कहो, समझी? मैं सिर्फ शॉर्टी को अपने घर पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा। जिस पर टॉमी डेडपूल कहता है, मैं पहुंचने के बाद टेक्स्ट कर दूंगा, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी दो थिंग को देखकर दोनों अंदर जाते हुए कहते हैं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, और एम एजेंट और बेटी भी उसके पीछे चले जाते हैं। जिस पर डेडपूल कहता है, मुझे पता था तुम लोग आओगे, क्योंकि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, स्पेशली तुम डॉक्टर बेटी। जिस पर बेटी जवाब देती है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मुझे लगा कि ये जगह उससे ज़्यादा सेफ होगी। और तब वो देखते हैं जॉम्बी वर्ल्ड, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो चुका था, जिसे देखकर जॉम्बी डेडपूल कहता है, होम स्वीट होम, हम घर आ गए। लेकिन जॉम्बीज अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते, और तभी उन पर हमला करते हैं जॉम्बीज, जिनसे छुटकारा पाते हुए टाइगरा को शूट करती है डॉक्टर बेटी, और मून नाइट लड़ने लगता है डेडपूल से और कहता है, तुम्हारे हीलिंग पावर हमारे लिए तुम्हें एक एवरलास्टिंग बफेट बना देगी, क्योंकि अगर थोड़ा काट कर खाया जाए तो तुम अगले खाने के लिए फिर से ग्रो हो जाओगे। जिस पर डेडपूल कहता है, तुम मुझे खाने की सोच रहे हो? अगर तुमने मुझे खाया तो भी मैं तुम्हें अंदरूनी हिस्से से चिढ़ाता रहूँगा। जिस पर मून नाइट कहता है, हाँ, बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं। तभी बिल डॉक्टर बेटी से पूछता है, क्या वो मर गई? क्योंकि अगर वो मर गई तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस पर डॉक्टर बेटी जवाब देती है कि मैंने उसमें एक डिनर प्लेट जितना बड़ा होल कर दिया है। तब टाइगरा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम पहले से ही डेड हो तो तुम्हें मारा नहीं जा सकता, और अब मेरे अंतड़ियों में एक बहुत बड़ा होल बन चुका है जो मैं फिल करूंगी तुम्हारे फ्लैश के साथ। तब डॉक्टर बेटी और बिल टाइगरा पर गोलियां चलाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें मारना नहीं बल्कि हम तुम्हें सिर्फ रोकना चाहते हैं। और दूसरी तरफ डेडपूल मून नाइट से लड़ रहा था, जहाँ पर मून नाइट उससे कहता है, तुम्हें इससे भी ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा जैसा मैं अपने फ्लैश पर होता हूँ। लेकिन डेडपूल मजाक करते हुए उसकी गर्दन काट देता है, और ये देखकर एक और जॉम्बी उस पर हमला करता है, जिसके जवाब में डेडपूल अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है, जिसे डॉस करते हुए वो जॉम्बी कहता है, मेरे पास सारी फाइटिंग स्किल्स है प्लस मेरे पास लक है, तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। जिस पर डेडपूल कहता है, मैं तुम्हारा बाल बांका करना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपनी स्वॉर्ड का पॉइंटी एंड तुम्हें घुसाना चाहता हूँ। जिस पर उसे चुप रहने को कहता है। डेडपूल कहता है, अब इसे मारने के लिए हमें स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, और वो उसे मारते हुए कहता है, तो तुम्हारी ये हंगर बहुत ही असहनीय होगी है ना, तो तुम इसके खिलाफ कैसे रह पाते हो? जिस पर वो कहता है, जब तुम पूरे प्लेनेट का सफाया कर दो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना दर्द देता है। तब डेडपूल उससे कहता है, तो फिर डेथ तुम्हें इससे छुटकारा दिला सकती है ना? जिस पर वो जॉम्बी कहता है, हाँ, हमें इस सब से छुटकारा मिलेगा, इस दर्द से।
अगर मौत आ गई तो मैं उसे हंसते हंसते अपना लूँगा। जिस पर डेडपुल उसे काट देता है और कहता है, तो तुम बहुत लकी हो। और तब वो अपनी स्वॉर्ड्स रखते हुए कहता है, मैंने उसी का लक उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब उसने ये कहा कि डेथ उसे रिलीफ देगी इस सब से, तब उसका लक डेथ के साइड में हो गया। और तभी उसे लोग दिखते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर वो कहता है, चलो अब हमें छुपना चाहिए। डेडपुल और वो दोनों सभी एक जगह पर छुप जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज के जाने का इंतज़ार करते हैं। और उसी समय पोर्टल की जगह पर एम सब कमांडर अपने सारे एजेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिस पर उसका एक एजेंट उससे कहता है, आपको लगता है हमारा यहाँ आना अच्छा होगा? इस पर सब कमांडर उसे बताता है कि तुम जानते हो कि 90% मैन पावर मेरे कमांड के अंडर ख़त्म हो चुकी है और मेरा मिशन भी इनकम्प्लीट है, इसलिए मुझे कुछ भी करके ये मिशन सक्सेसफुल करना होगा। और दूसरी तरफ डेडपुल ये कह रहा था कि हम यहाँ पर आए थे ज़ॉम्बी डेडपुल को अपने घर पहुँचाने और इसे यहाँ रखकर हम बाय बाय करके जाने ही वाले थे, लेकिन अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं और यकीनन वो पोर्टल भी क्लोज हो चुका होगा। तभी बिल को एक छुपने लायक जगह मिल जाती है, जहाँ पर अंदर जाकर बेटी सबसे कहती है, मैं इस सबसे थक चुकी हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाकर छुपना, हमें किसी प्लान की ज़रूरत होगी वापस जाने के लिए। जिस पर डेडपुल कहता है, मैं भी सोच रहा था कि अगर हम कुछ ना कर पाए तो हमें एक काम तो करना ही चाहिए, कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए। जिस पर बेटी कहती है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है हमें हमारे डायमेंशन तक पहुँचाने का? जिस पर ज़ॉम्बी डेडपुल कहता है, लगता है मुझे ही अब इस बार भी सबको बचाना पड़ेगा। ज़ॉम्बी डेडपुल आगे सबको बताता है कि मैं और मेरा दोस्त मॉर्बियस, हम दोनों ही उस पोर्टल के थ्रू तुम्हारे डायमेंशन में आए थे और हमें यही एफर्ट दोबारा करना पड़ेगा, सिर्फ हम जब यहाँ पर आए थे उसी जगह। जिस पर डेडपुल से बेटी पूछती है, क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? जिस पर डेडपुल कहता है, हाँ कर सकते हैं, शायद मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए शॉर्टी का नाम सजेस्ट कर दूँ। और तभी एक ज़ॉम्बी एक जैंट रोबोट के अंदर बैठकर उन पर हमला करता है और तभी एक मिसाइल आकर उस जैंट रोबोट को उड़ा देती है। और तब हम देखते हैं कुछ लोगों की टीम को, जिसमें एक लड़की सबसे कहती है, मैंने ही ये मिसाइल फायर की, मुझे लगता है कि तुम लोग उससे हाथ से लड़ने वाले थे और मैंने यहाँ आकर इससे कमाल कर दिया है ना। वो आगे बढ़ी रही थी कि तभी बेटी पर वो ज़ॉम्बी अटैक करता है, जिस पर बेटी उसे मार देती है। तब वो लड़की कहती है, तुमने जिस तरह से पिस्तल का इस्तेमाल किया वो मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है। और तब वो अपना नाम बताती है, वेरोनिका चेस। तब डॉक्टर बेटी उससे कहती है, मैं हूँ डॉक्टर बेटी स्वैनसन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ज़ॉम्बी डेडपुल आगे डेडपुल से कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। जिस पर डेडपुल उसे जवाब देता है, तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि तुम भी वही सोच रहे हो। तब एक एक करके सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और डेडपुल सबसे कहता है, मैं हूँ डेडपुल। लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देते हुए वेरोनिका कहती है, हमने हमारे हाईडआउट के कैमरा से देखा कि तुम लोग यहाँ पर थे, महीनों से यहाँ पर कोई नहीं आया और इस वजह से हम तुम्हें लेने आ गए। लेकिन डेडपुल पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस वजह से डेडपुल गुस्सा हो जाता है। आगे जाते हुए वेरोनिका उससे कहती है, हमने डिसीजन लिया एक टीम को तुम्हारे पास भेजने का, हमारे अंडरग्राउंड हाइडआउट से। हमारी टीम में से लगभग सब लोग साइंटिस्ट है और हम सीरम बनाने के काम में लग चुके हैं, हम करीब है लेकिन अभी बहुत सारा काम है करने को। तब डॉक्टर बेटी कहती है, मैंने कालटेक से अपनी PhD कंप्लीट की है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। जिस पर वेरोनिका कहती है, तो ये सुनो, मैंने कालटेक से सिर्फ अपना सेफ्टी स्कूल कंप्लीट किया है, उसके बाद में MIB चली गई। और अपने हाइडआउट की तरफ बढ़ते हुए वो कहती है, ये कुछ अच्छा तो नहीं है लेकिन ये होम स्वीट होम जरूर है। तब वो देखते हैं एक गेम क्लब को, जहाँ पर वेरोनिका सबको बताती है, जब हम पर मुसीबत आई तब हम में से 20 ने इस जगह को छोड़ दिया, खाना वेपन्स इम्पोर्टेड बियर्स और प्लेस्टेशन 3 के साथ। जिस पर डेडपुल कहता है, टीम का लीडर होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हम यहीं पर रुकेंगे आराम करने के लिए और प्लान करने के लिए, शायद एक दिन दो दिन या फिर महीना हम रुकेंगे। तब उसकी आवाज़ उससे कहती है, या फिर तब तक जब तक हम प्रोफेसर वेरोनिका को निकट नहीं देख लेते।